अच्छा, आपको गाने का शौक है जमाल? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं। आपको सिवाय इस अपने काम के अलावा किसी चीज़ का शौक नहीं है? नहीं नहीं है, मगर गाने और मूवी टाइम भी नहीं होता आपको। टाइम तो जाहिर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। आपको है गाने का शौक? मुझे बहुत शौक है। आप गाती हैं या सुनती हैं? मैं गाती भी हूँ, लेकिन प्लीज कभी गवाइएगा नहीं सबके सामने। नहीं, वो हमें पता है, हम ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। लेकिन मैं शौकिया गाती हूँ और गाती हूँ लाइक इन फ्रेंड्स के साथ। तो फिर आप मेरी तरह से? या बट आई रियली लाइक सिंगिंग। और आई वंस ट्राइड टू प्ले गिटार आल्सो, बट इट वाज सो डिफिकल्ट कि मैं नहीं सीख सकी, बट आई हैव फ्यू गिटार्स इन माय हाउस टू। अच्छा, डॉक साहिबा बहुत अच्छा गाती हैं। सर, मेरी आवाज बुढ़ापे में खराब हो गई है। बुढ़ापे में खराब हो गई है, अच्छा। वैसे हम बात करेंगे ना ग्लो की, हमेशा यू नो एजलेस रहने की, तो उसमें डॉक्टर साहब का नाम सबसे पहले आता है। बट ओके, सो फाइन। आप गाती हैं? आई यूज्ड टू सिंग इन स्कूल, क्वायर में सबसे आगे खड़ा गायक। नॉट नाउ। अच्छा, मैं वो बच्चा था, छोड़ दिया। नहीं नहीं, मैं वो बच्चा था जिसको क्वायर के अंदर खड़ा तो करते थे, लेकिन सबसे पीछे मैं जानबूझ के ना आगे आ जाता था। मुझे गाना है यार, मुझे गाने का बहुत शौक था ना, मुझे गाना है। तो अच्छा, और फिर मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं शुरू में गाया करता था ना, जब मैंने नया नया शो बिजनेस शुरू किया, तो मैं बहुत बुरा गाता था। नॉट दैट आई कैन सिंग नाउ, बट उस वक्त तो बहुत ही बुरा गाता था। अच्छा, तो वो रियलाइज आपको नहीं होता, बिकॉज ना उस वक्त मुझे बस तो अब तो ठीक है, बट उस वक्त की बात है। तो अच्छा, और जो मेरे साथ उस वक्त बजाया करते थे, उन्होंने मैडम नूरजहां के साथ बजाया था। तो यू कैन पॉसिबली इमेजिन वो किस कर्ब से गुजर रहे होंगे। मैंने ना आपको सर, मैंने आपको बगैर म्यूजिक के, किसी भी सपोर्ट हेल्प के, गानों में जो म्यूजिक होते सारे, मैंने आपकी आपकी रॉ आवाज़ सुनी है, तो वो और ज़्यादा प्यारी है सर। मैम, थैंक यू। आप ऐसे कभी ऐसे बगैर किसी म्यूजिक के आप गा के नए ऑडियंस को सुनाइए? नए ऑडियंस को सुनाओ जी। अच्छा, ठीक है, आप बताइए, आप गाती? हाँ, बहुत अच्छा, बाथरूम सिंगर। अच्छा, मैं खुद भी हैरान हो गया ना, कि मैंने कहा आप गाती हैं कि नहीं। हाँ, बहुत अच्छा गाने वाला है। नहीं, सीरियसली, बाथरूम सिंगिंग करती हूँ। ओके ओके, बाथरूम में सबकी आवाज अच्छी लगती है ना, इट एकोस पूरा बन जाता है। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा डल किस्म का आदमी हूँ, बिकॉज मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं अगर शावर ले रहा होता हूँ तो खबरें चल रही होती हैं अंदर। दैट आई एम सॉरी, आई डोंट गेट टाइम टू वॉच न्यूज। तो क्या होता है कि जब मैं शावर में, आपको स्ट्रेस लेने का शौक है? नहीं, वो टीवी लगा हुआ है, तो मैं आज मेक श्योर कि वो, हाँ, आई पुट इट ऑन एंड आई टेक शावर। टेंशन में शावर भी टेंशन में।